हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम है, थ्योरम 7.2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलीस ट्रायंगल आर इक्वल। जो आइसोसेलीस ट्रायंगल होता है, पता ही होगा आइसोसेलीस ट्रायंगल, द ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल, जिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है उसे आइसोसेलीस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो उसके अपोजिट एंगल जो है ना इक्वल साइड के, वो इक्वल होते हैं। तो ये हमें प्रूफ करने का है। ऐसे करके ये हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी आइसोसेलीस, आइसोसेलीस मतलब दो साइड इक्वल है, ये दोनों साइड जो मैंने मार्क की है दोनों इक्वल साइड हमको गिवन है। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जस्ट वी हैव टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, एंगल सी एंगल बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे सी डी, सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, राइट ये हमने ड्रॉ किया। ओके, तो गिवन क्या है हमको, आइसोसेलीस ट्राइंगल एबीसी इन विच एसी इज इक्वल टू बीसी। ठीक है, एसी और बीसी इक्वल गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करने का है हमको, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करने का है हमको। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर सी डी, राइट, ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया सी डी, राइट। प्रूफ कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड बी सी डी, राइट, में क्या क्या है हमारे पास में, AC इज इक्वल टू BC, क्या है ये गिवन है हमको, राइट, देन एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये क्या है बाई कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, सीरीज बाई सेक्टर ऑफ एंगल ACB, राइट, देन CD इज इक्वल टू CD, दिस इज कॉमन, CD CD इक्वल है, दोनों कॉमन है, तो क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास में, सो ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल विच वन BCD, विच रूल इज अप्लाइड, साइड एंगल साइड SAS, SAS कॉन्ग्रेंस रूल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल ही होते हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी से दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। तो इस तरह से करके क्वेश्चन को, थ्योरम को हमको प्रूफ करना था। थ्योरम सभी इंपॉर्टेंट है, आप थ्योरम्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम्स क्वेश्चन आर सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है कि थ्योरम ऐसे अप्लाई किया है, तो आगे मे बी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 7.3, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, इस बार हमको एंगल इक्वल गिवन है। ठीक है, अब जो लास्ट थ्योरम था ना जस्ट उसका अपोजिट पार्ट है, तो एंगल्स तो इक्वल गिवन है हमको, साइड्स अपोजिट जो है, एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है बीसी, बी के अपोजिट साइड कौन सी ए सी, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो क्या गिवन है हमको, गिवन है हमको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इन ट्राइंगल एबीसी, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने का है हमको, हमको प्रूफ करने का है साइड्स इक्वल है, एसी इज इक्वल टू बीसी, यहां पर भी सिमिलर कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन सेम करना है, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी,
दैट इज सी डी. दीज एंगल्स आर इक्वल 1 and 2. ड्रॉ सी डी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी. ए सी बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने का है. प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे हम? इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी गिवन है हमको. एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन. ये कंस्ट्रक्शन से इक्वल है. और फर्दर सी डी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज कॉमन. तो सी डी क्या है, कॉमन है, राइट. तो सो क्या आ गया, ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी. कौन सा रूल लगा, एंगल एंगल साइड ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल. ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई हुआ और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होने वाले हैं. तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी सी पी सी टी. ठीक है, यही हमें प्रूफ करने का था. Hence it is truth. तो congruence रूल याद रखिए, कौन कौन से congruence रूल है हमारे पास में. एस ए एस congruence रूल है, यूज करना है हमको. दूसरा क्या है, एस 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 congruence रूल है. ठीक है, साइड साइड साइड, देन ए ए एस एंगल एंगल साइड congruence रूल है. देन आर एच एस, आर एच एस राइट एंगल hypotenuse साइड congruence रूल है. तो ये पर्टिकुलर कॉन्ग्रुएंस रूल हमको यूज करने के हैं और इसके बेसिस पर हमको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. एक और रूल होता है, दैट इज एएसए एंगल साइड एंगल, एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल भी होता है. ठीक है, तो इन रूल्स को, टोटल 5 रूल्स हैं, इन रूल्स को अप्लाई करना है आपको और ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो एक्सरसाइज में हम यही रूल्स यूज करने वाले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 7.2. इन आइसोसेलीस ट्राइंगल एबीसी विद एबी इज इक्वल टू एसी, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ. एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर्स हैं, जो किस पॉइंट पर इंटरसेक्टर है, ओ पर. ठीक है, तो आगे ये प्रूफ करने का है हमको. ठीक, तो एक आइसोसेलीस ट्राइंगल बना लेते हैं, एबीसी. अब क्या कह रहे हैं, एंगल बी जो साइड इक्वल गिवन है, दो साइड इक्वल गिवन, जब साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो एंगल बी भी क्या होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, राइट. बी और सी इक्वल होंगे. आप अब क्या कह रहे हैं, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, ठीक है, जो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो फिर क्या कह रहे हैं कि ओ ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ए ओ को ज्वाइन कर दो, एंगल ए भी बाइसेक्ट हो रहा है इसके द्वारा. तो ये फिगर इसका बन चुका है. तो लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी. ठीक है, ये इक्वल गिवन है हमको. टू प्रूव, क्या प्रूव करने का है हमको, ये दोनों पॉइंट जो है ना, फर्स्ट पॉइंट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी और सेकेंड पॉइंट AO bisects एंगल A. ठीक है, जो AO है वो एंगल A को bisect कर रहा है. प्रूफ कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल ABC कॉमा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. B means एंगल ABC और C means एंगल ACB. इक्वल गिवन, सॉरी पहले साइड से, साइड जो गिवन है हमको क्या, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इज गिवन. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट जब साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. सो एंगल ए बी सी यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल सी के इक्वल हो गया ये.
राइट इक्वेशन वन रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ए ट्राइंगल राइट दोनों एंगल्स जब इक्वल आ गए तो इनका हाफ भी इक्वल होगा दिस इंप्लाइज दैट ठीक है अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी ठीक है दोनों इक्वल होने वाले हाफ इक्वल जब पूरे इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा इनका जब हाफ इक्वल होगा ए बी सी का हाफ क्या होगा एंगल ए बी सी का हाफ क्या होगा ओ बी सी दिस इंप्लाइज दैट एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी रीजन इस पूरे एंगल का हाफ ये वाला नीचे वाला एंगल है नीचे और ऊपर दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ओ बी बाइसेक्टर है गिवन है हमको बिकॉज ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ठीक है इस कारण से आ गया है इक्वेशन टू जब एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगी इन ट्राइंगल ओबीसी में क्या हमें गिवन है एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओसीबी कहां से था ये इक्वेशन टू से फ्रॉम इक्वेशन टू तो एंगल्स इक्वल है ठीक है ये वाले जो एंगल है ना ये एंगल दोनों इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी कौन सी साइड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड So this implies that OB is equal to OC. यहां पर कौन सा रूल लगा Sides opposite to equal angles are equal. ठीक है तो दोनों sides क्या आ गए हैं Equal आ गए हैं हमारे पास में अब ऊपर वाले जो ये दो triangle हैं Which one? AOB और AOC. इन दोनों को हमको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने का है तो इसी से हो जाएगा आप देख सकते हैं देखिए क्या है ओबीओसी इक्वल है ये गिवन है साइड और एक कॉमन है तो एस 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 से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ठीक है तो इसको प्रूफ कर देते हैं बस तो क्या करने का है इन ट्राइंगल सेकंड पार्ट के लिए है फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया था हमारा इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल एओसी एओबी और एओसी में क्या करने का है हमको OB is equal to OC, ठीक है ये इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन थ्री देन AB is equal to AC given then AO is equal to AO common, right? So this implies that triangle AOB congruent to triangle AOC कौन सा रूल लगा SSS congruence rule SSS congruence rule से दोनों ट्राइंगल congruent हो गए हैं अब जब ट्राइंगल congruent हो गए हैं तो corresponding parts equal होंगे तो इसका जो ये एंगल है इधर वन एंगल टू इक्वल आ गए ठीक है एंगल वन कौन सा है एंगल OAB और OAC इक्वल आ गए तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू रीजन CPCT जब एंगल वन टू इक्वल है तो इसलिए यानी कि एंगल ए जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है एओ से तो लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए ठीक है एओ क्या काम कर रहा है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ठीक है तो इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर आप खुद से प्रैक्टिस करें सॉल्व करने का नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग